नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, हमारे यहाँ जो कंटिन्यू पानी गिर रहा है उसकी। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बीते 4 से 5 दिन से हमारे पास कोई काम नहीं। मतलब हम बैठे हैं और ट्रैक्टर को आप देख सकते हो, इसके टायर की हमने बात करी थी, तो हमने इसके जो टायर फाइनल किए हैं वो किए हैं BKT के 17/9/28 के। इसके अंदर क्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सही रहेगा या नहीं। दूसरा, हमारा ट्रैक्टर ये गया था कल्टी पे एक राउंड, तो कल हमने सोचा था कि ये कल्टी पे काम कर सकता है, मतलब काम आ जाएगा, इसका हो जाएगा इससे। लेकिन स्थिति ये बनी कि पूरा खेत डबल से गीला हो गया। ये पानी आप देख सकते हो, ये नीचे ये रात को पानी गिरा है, तो फिर से काम बंद। मतलब 3-4 दिन से कोई काम नहीं चल रहा था, अब डबल से काम हमारा बंद हो गया है। तो आज क्या हुआ है कि सुबह से अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि रात में पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था और अभी काफ़ी धूप पड़ी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे चने के खेत तो कंप्लीट हो, तो उसके लिए हम प्लाउ ट्राई करके देखेंगे कि क्या अभी प्लाउ चल पा रहा है या नहीं। अगर चलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चलेगा तो फिर हम कल 12 के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से तो वापस से ओस से गीला हो जाता है। तो गोपाल भैया आ जाओ यार, जरा चला के देखेंगा। तो ये हमारे गोपाल भैया हैं जो कि दिल्ली रिटर्न हैं।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमने पानी से पहले मतलब कल के दिन में ये वाला हिस्सा हमने कर दिया था इतना प्लाउ, उसके बाद रात में पानी गिर गया। तो अभी वापस से हम इसको ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये ट्रैक्टर आया है उसकी थोड़ी सी हाइड्रोलिक की सेटिंग करी हुई थी। अब जो ये वाला जो हिस्सा था ये हमने रात में किया था कि चलो देखते हैं कि ये प्लाउ कर पा रहा है कि नहीं। तो प्लाउ काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर अभी जो पानी गिरा है इसके बाद हम ट्राई करके देखेंगे चलेगा या नहीं। अगर चला तो हम चलाएंगे, और अगर ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं चल रहा है तो फिर हम इसे छोड़ देंगे।
तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, ये क्या हो रहा है, ये घिस रहा है कहीं कहीं पे जो प्लाउ है, और अब जैसे ये पलटी करके लगेगा तो ये और ज़्यादा घिसना चालू कर देगा, मतलब ये जो दब रही ना जगह, तो ये दिक्कत का एक विषय बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि ट्रैक्टर ले के आए हैं तो ये एक राउंड मार के हम सीधा घर चल देंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि ये ज़मीन जो है ये हार्ड हो जाएगी और इसके अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लो फसल चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो चिपक जाएगी नीचे। तो हम काम बंद करेंगे क्योंकि ये इसमें स्लिपेज भी बहुत है और इससे मिट्टी भी बहुत हार्ड हो रही है।
तो अभी छोड़ देंगे क्योंकि ऐसे में दिक्कत आएगी।